हेलो इंजीनियर्स, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, वो है सबमिशन ड्राइंग। सबमिशन ड्राइंग क्या होता है, कैसे बनाते हैं, सब कुछ सीखने वाले हैं हम इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपके पास कोई भी क्लाइंट आता है उसका कंस्ट्रक्शन करवाने के लिए, अगर वो अपना घर बनवाना चाहता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक प्लान रेडी करना पड़ेगा। और उस प्लान को क्या करना पड़ेगा, आपके पास जो नज़दीकी आपके नगर निगम ऑफिस होगा वहाँ पे जाके आपको इन प्लान को सबमिट करना होगा। सबमिशन ड्राइंग की के अंदर कौन कौन से ड्राइंग होती है वो सब कुछ हम सीखने वाले हैं इस वीडियो में। तो क्या करेंगे हम, जब आप उस नगर निगम में सबमिशन ड्राइंग को सबमिट करेंगे अप्रूवल के लिए, जब वो नगर निगम उस प्लान को यानी सबमिशन ड्राइंग को अप्रूव कर देगा, तभी आप कंस्ट्रक्शन प्रोसेस को स्टार्ट कर सकते हैं। उसके पहले आप कंस्ट्रक्शन प्रोसेस स्टार्ट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट क्या हो गया, सबमिशन ड्राइंग। तो सबमिशन ड्राइंग आपको बनाना आना चाहिए। सबमिशन ड्राइंग में क्या क्या चीज़ें होती हैं सब कुछ सीखने वाले हैं हम इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे, देखिए सबसे पहले ये जो हमारा जो आउटर बाउंड्री होता है इसको बोलते हैं टाइटल ब्लॉक। फिर मैं आपको बताता हूँ इन चीज में क्या होता है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे है ग्राउंड फ्लोर प्लान। ये जो ग्राउंड फ्लोर प्लान है, हमने जो प्लान बनाया है, सेक्शंस बनाए हैं, वो सब भी हम एक सबमिशन ड्राइंग में समराइज करेंगे वो अगले वीडियो में। इस वीडियो में हम सिर्फ समझने वाले हैं कि सबमिशन ड्राइंग होता क्या है, और अगले वीडियो में हम सीखेंगे पूरा सबमिशन ड्राइंग में सब ड्राइंग्स कैसे प्लेस करते हैं वो सीखने वाले हैं हम अगले वीडियो में। तो देखिए ये क्या है, हमारा ग्राउंड फ्लोर प्लान है। तो आप भी जब भी सबमिशन ड्राइंग बनाएंगे तो सबसे पहले आपको ये जो नीचे होते हैं, नीचे आपको सब फ्लोर्स के प्लान अरेंज करने हैं आपके पास। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या है, सिर्फ जी प्लस वन है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ दो प्लान है, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर प्लान। तो आपको क्या करना है, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर प्लान यहाँ पे हमने अरेंज कर दिया। आपको ऐसे ही सीरियल वाइज यानी कि जो सेम ऑर्डर होगा वही प्रोवाइड करना, जैसे कि ग्राउंड फ्लोर, फिर फर्स्ट फ्लोर, और आपका सेकेंड फ्लोर होता है तो आप सेकेंड फ्लोर, और उसके ऊपर भी आपके फ्लोर्स हैं तो आप उसको भी सबमिट कर सकते हैं। अगर आपके ऊपर के फ्लोर्स सब कॉमन है तो आप वहाँ पे मेंशन कर देंगे कि अब ऑल फ्लोर्स आर कॉमन, और कितने फ्लोर्स हैं आपके बिल्डिंग या स्ट्रक्चर में आपको उसको भी मेंशन कर देना पड़ेगा। तो यहाँ पे सिर्फ दो ही फ्लोर थे, ग्राउंड फ्लोर प्लान और फर्स्ट फ्लोर प्लान। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हम समझते हैं कमीशन ड्राइंग में आपको और क्या लगाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक एलिवेशन लगाया जो कि है फ्रंट एलिवेशन। आप चाहें तो कोई भी एलिवेशन लगा सकते हैं, फ्रंट एलिवेशन, साइड एलिवेशन, रियर एलिवेशन, कोई भी एलिवेशन लगा सकते हैं, लेकिन सबमिशन ड्राइंग में एक एलिवेशन लगाना कंपलसरी है। लेकिन हम क्या करते हैं, मोस्टली हम फ्रंट एलिवेशन ही प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि फ्रंट एलिवेशन में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर होती हैं हमारी, इसलिए हम मोस्टली क्या करते हैं, फ्रंट एलिवेशन ही प्रोवाइड करते हैं अपने सबमिशन ड्राइंग में। उसके बाद आपको फ्रंट एलिवेशन, आपको जो मैं ऑर्डर बता रहा हूँ आपको इसी ऑर्डर में सब चीज़ें अरेंज करनी है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे है सेक्शन ए, यानी कि ये क्या है, सेक्शनल ड्राइंग है। सेक्शनल ड्राइंग मैंने आपको पहले ही बता दिया था, सेक्शनल ड्राइंग हम क्यों बनाते हैं, ताकि हमारे जो स्ट्रक्चर के अंदर डिटेल्स, हमने कौन कौन से मटेरियल्स प्रोवाइड किए हैं वो हमको पता चल जाए, इसलिए हम सेक्शनल ड्राइंग बनाते हैं। सेक्शनल ड्राइंग आप चाहें तो कोई भी सेक्शन से बना सकते हैं। देखिए आप चाहें तो सेक्शनल ड्राइंग कोई भी सेक्शन से पास कर सकते हैं, लेकिन आपको सेक्शनल ड्राइंग ऐसी जगह से पास करने हैं जहाँ से मैक्सिमम डिटेल्स मिले। तो देखिए यहाँ पे जो सेक्शन लाइन पास हुई है वो कहाँ से हुई है, बेडरूम से पास हुई है और किचन से पास हुई है। तो यहाँ पे हमको किचन के डिटेल्स मिल जाएंगे और बेडरूम के डिटेल मिल जाएंगे। लेकिन आप जब सेक्शनल ड्राइंग करेंगे तो आपको क्या करना चाहिए, ट्राई करना चाहिए कि आपका जो सेक्शनल ड्राइंग होगा वो आपके वॉशरूम से पास होता जाए, आपके स्टेयर होंगे तो आपको स्टेयर से पास होता जाए, तो आपको क्या उसमें मैक्सिमम डिटेल्स मिलते हैं। वो उसी के हिसाब से हमने अपना सेक्शनल ड्राइंग बनाया था, आपने पहले के लेक्चर्स में देख चुका होगा उसको। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक सेक्शनल ड्राइंग हो गया। तो आपको क्या करना है, इसी को सब, अब आपका स्केल क्या होगा इसका, आप चाहें तो इसका स्केल 1:100 पे रख सकते हैं, इसका स्केल इस ड्राइंग में 1:100 पे रख सकते हैं। जब हम बनाएंगे तो हम क्या बनाएंगे, एक्चुअल साइज में बनाएंगे, और जब हम इस पेपर में प्लेस करेंगे तो वो कैसे प्लेस करेंगे वो मैं आपको अगले वीडियो में समझा दूंगा सब डिटेल में, आप उसकी टेंशन मत लीजिए। अभी सिर्फ आप समझिए कि सबमिशन ड्राइंग होता क्या है। फिर हमने देख लिया एलिवेशन, उसके बाद सेक्शन,
उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या है, सेप्टिक टैंक। मैंने आपको सेप्टिक टैंक कैसे डिज़ाइन करते हैं आपको वो सिखा दिया है मैंने। सिमिलरली आपको क्या करना है, सेप्टिक टैंक डिज़ाइन करना है और यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर देना है। सेप्टिक टैंक डिज़ाइन ड्रॉ करना मैं नहीं सिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि इसको सिखाने जैसा इसमें कुछ है नहीं। सिंपली आपको लाइन्स ही बनाने हैं, ड्राइंग्स ही बनाने हैं और ये सेक्शन आपको सेम रखना है। आप चाहें तो इसी को मैं कॉपी कर सकते हैं और अपने प्लान बना सकते हैं। मैं इसको जो सबमिशन ड्राइंग है ये पूरा, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ फाइल, और पीडीएफ फाइल को DNG फाइल में इम्पोर्ट कर सकते हैं। उसको कैसे इम्पोर्ट करते हैं पीडीएफ से अपने ऑटोकैड फाइल में, वो भी मैंने आपको पहले वीडियोस में समझा रखा है। फिर इसमें क्या होगा, इसमें सिर्फ जो आपका डायमेंशन होंगे सेप्टिक टैंक्स के, सिर्फ वही चेंज होने वाले हैं, बाकी सब डायग्राम्स तो क्रॉस सेक्शनल वाइज सब कुछ क्या होगा सेम होगा। तो ये जो हमारा प्रोवाइडेड है, देखिए सेप्टिक टैंक का प्लान, यानी कि ये टॉप व्यू से सेप्टिक टैंक ऐसा दिखने वाला है, और सेक्शन इसका कट करेंगे तो हमारा सेप्टिक टैंक ऐसा दिखने वाला है। और आपको चाहिए तो आप चाहें तो देखिए यहाँ पे जो स्केल है इसका सेप्टिक टैंक का, वो काफ़ी कम है। क्यों? क्योंकि ये हमको इस ये सब जो ड्राइंग्स है हमको सिर्फ क्या करना पड़ता है, एक शीट के अंदर, एक ड्राइंग शीट के अंदर ही सबको सबमिट करना पड़ता है। तो इसलिए इसको हम स्केल करके इसको छोटा करके अरेंज कर देंगे। फिर आप चाहें तो यहाँ पे मेंशन भी कर सकते हैं कि इसका स्केल क्या है, लेकिन यहाँ कोई ऐसा मेंशन नहीं है। और जो देख रहे हैं आप, ये 100 mm डायमीटर का है, यहाँ की देखिए ये पाइप का, अगर हम इसको मेजर करेंगे तो ये 100 mm नहीं होगा तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ पे आपको मेंशन करना ज़रूरी है कि ये 100 mm का डायमीटर का सीवर पाइप है। ठीक है, तो ये जो हम डायमेंशंस करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं। सिर्फ आप चाहें तो इस डायग्राम्स के स्केल को छोटा या बड़ा कर सकते हैं, लेकिन ये जो आपने टेक्स्ट लिखे हैं इसके बारे में, वो सब एकदम करेक्ट होने चाहिए और वो उसका डायमेंशन भी एकदम करेक्ट होना चाहिए। उसके बाद देखिए ये सेप्टिक टैंक के साथ यहाँ पे एक सोक पिट भी प्रोवाइड किया है। सोक पिट ज़रूरी नहीं है कि आप सोक पिट प्रोवाइड करेंगे, लेकिन यहाँ पे सोक पिट का प्लान है और यहाँ पे सोक पिट का एलिवेशन है। सोक पिट क्यों प्रोवाइड करते हैं, जब भी हमारे सेप्टिक टैंक से ओवरफ्लो हो जाता है तो सॉइल के वाटर क्या होगा, देखिए वाटर यहाँ से आ जाएगा और यहाँ पे जो सोक पिट होगा उसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो हमारा ओवरफ्लो के चांसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि आप सेप्टिक टैंक प्रोवाइड करें, लेकिन आप चाहते हैं कि आपका सेप्टिक टैंक ओवर सेफ हो तो आप सेप्टिक यहाँ पे सोक पिट भी प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं यहाँ पे, देख सकते हैं आप यहाँ पे देखिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। तो यहाँ पे सिंपल सा एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम प्रोवाइड किया है, जो कि देखिए यहाँ पे ब्रिक्स से आउटर बाउंड्री बनी है और नीचे क्या है PCC है, और यहाँ पे सैंड फिलिंग लेयर्स, ये सब मैंने आपको जब रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम हम पढ़ रहे थे तो वहाँ पे मैंने आपको इन चीज़ों के बारे में डिटेल में बताया है। और यहाँ पे देख सकते हैं जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है वो क्या है, 8 फीट बाय 6 फीट। तो ये हमारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का सिंपल सा प्लान है। जब पहले ड्राइंग्स बनते थे सबमिशन ड्राइंग्स, तो उसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन पिछले एक साल से यानी कि 2019 से रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम कंपलसरी कर दिया गया है। यानी कि अब आप जो भी स्ट्रक्चर बनाएंगे आपको वहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम ज़रूर प्रोवाइड करना ही होगा, वो कंपलसरी कर दिया है गवर्नमेंट ने। अब आपके एरिया में वो कंपलसरी है या नहीं, वो आप जब आप आर्किटेक्चर लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे तब आपको पता चल जाएगा। अगर आप सिविल इंजीनियर हैं तो भी आप सिविल इंजीनियर लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और लेकिन आप वहाँ पे जो मैक्सिमम कंस्ट्रक्शन या डिज़ाइन कर सकते हैं वो कितना कर सकते हैं, 500 स्क्वायर मीटर बाय ग्राउंड में आप डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर आप एक डिप्लोमा होल्डर हैं तो आप सिर्फ 250 स्क्वायर मीटर के प्लॉट एरिया में ही डिज़ाइन कर सकते हैं, और साथ ही साथ आपको कुछ एक्सपीरियंस भी लगेगा डिप्लोमा होल्डर को। और अगर आपने BE इन सिविल इंजीनियरिंग की है तो आपको कोई भी एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप डायरेक्टली अपने निगम में, आपके आसपास के जो निगम होंगे आपके एरिया के, आप वहाँ पर जाके हेल्प डेस्क होता है, आप वहाँ पर जाके वहाँ पे बात कर सकते हैं कि आर्किटेक्चुरल लाइसेंस आप कैसे प्राप्त करें। आने वाली वीडियोस में मैं आपको क्या करने वाला हूँ, पूरा आर्किटेक्चुरल लाइसेंस कैसे निकालते हैं उन चीज़ों के बारे में मैं डिटेल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, यहाँ पे सेप्टिक टैंक प्रोवाइड कर दिया। फिर यहाँ पे देखिए लोकेशन प्लान। लोकेशन प्लान क्या होता है, आगे देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए ये क्या है, प्रपोज साइट, यानी कि जो हमारा स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे बनने वाला है। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है, आपका जो भी नियरेस्ट हाईवे होगा
मेन हाईवे होगा या फिर चौक होगा या फिर नेशनल हाईवे होगा, उससे आपके स्ट्रक्चर का क्या लोकेशन है आपको वो भी मेंशन करना पड़ता है इस लोकेशन प्लान में, यानी कि सबमिशन ड्राइंग में आपको लोकेशन प्लान बनाना भी कंपलसरी है। तो आपके वहाँ पे जो भी मेन रोड होगा आपको, या फिर नेशनल हाईवे होगा या फिर चौक होगा या फिर स्टेट हाईवे होगा, जो भी मेन होगा वहाँ से आपको लोकेशन प्लान बनाना होता है। ये जो लोकेशन प्लान होता है इसका स्केल आप क्या कर सकते हैं, 1:1:5,000 लिख सकते हैं या फिर 1:10,000 तक कर सकते हैं, 1:5,000 से लेके 1:10,000 तक। फिर ये लोकेशन प्लान कैसे बनाते हैं, देखिए ये क्या है, हमारा मेन रोड है, मेन रोड ये देखिए टू तेलीबंदा, यानी कि ये साइड क्या है, टू तेलीबंदा है और यहाँ पे जाएंगे तो टाटी बंद है, और ये क्या है, रोल्ड ऑटोमोबाइल है, ये ए गलती से ऊपर मिस हो गया है, अब उसको इग्नोर करेंगे। फिर देखिए ये रोड यहाँ से जा रहा है, फिर यहाँ पे क्या सरवोना विलेज है, फिर यहाँ से आगे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए आपको ये पूरा रोड बनाने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपका रोड जहाँ पे चेंज हो रहा है वहाँ पे आपको ऐसा कंटिन्यू का साइन दे देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे हमारा रोड आ गया, फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 30 फिट वाइडर रोड, 30 फिट, यहाँ पे 30 फिट वाइडर रोड, और ये क्या है यहाँ पे देखिए, ये जो है हमारा ये क्या है, प्रपोज साइट है, तो यहाँ पे प्रपोज साइट मेंशन किया है। तो आपको ऐसे ये लोकेशन प्लान बनाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको ये बनाना है, ये क्या है हमारा साइट प्लान है। साइट प्लान क्या होता है, सिंपली आपका जो प्लॉट एरिया, देखिए ये जो आउटर बाउंड्री है क्या प्लॉट एरिया है, और इस एरिया में आपका बिल्डअप हुआ है, तो इसको यहाँ पे क्या लिख देंगे, हैच करके यहाँ पे लिख देंगे प्रपोज कंस्ट्रक्शन। फिर यहाँ पे आप जो साइट प्लान बनाएंगे उसमें आपके इंस्पेक्शन चेम्बर्स जो है वो आपको मेंशन करने हैं, आपकी पाइप्स कहाँ से जा रही है आपको वो, उसका सिर्फ एक डैश लाइन आपको प्रोवाइड कर देना है, सेप्टिक टैंक यहाँ पे प्रोवाइडेड है, ये देखिए इंस्पेक्शन चेम्बर यहाँ से आ रहा है, यहाँ पे वॉश एरिया था, आप छोटी छोटी चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है, यहाँ पे क्या है अंडरग्राउंड एक टैंक प्रोवाइडेड है, तो ये जो भी चीज़ें आप प्रोवाइड कर रहे हैं आपको हल्का सा यहाँ, अगर ये जो ओपन एरिया होता है, ओपन एरिया में क्या चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं आप वो यहाँ पे बना सकते हैं, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं प्रपोज कंस्ट्रक्शन, यानी कि आपका ये जो बिल्डअप ये क्या होगा, आपका बिल्डअप एरिया हो जाएगा। फिर आप देख सकते हैं ये जो हमने प्लान बनाया था उसी से ये बनेगा। सिंपली आपको क्या करना है, इन सभी लेयर्स को क्या कर देना है, फ्रीज कर देना है। फ्रीज करने के बाद आपको क्या करना है, ये जो आउटर बाउंड्री हमारे स्ट्रक्चर की है उस पर लाइन ट्रेस करेंगे, फिर ये जो आउटर हमारा जो बिल्डअप है उसके आउटर वॉल से लाइन ट्रेस करेंगे, और सिंपली ये हमारा बन जाएगा। फिर यहाँ पे आपको सिर्फ आपके पाइप्स कहाँ से पास हो रहे हैं आपको वो दिखा देने हैं, और यहाँ पे हमारा साइट प्लान भी रेडी हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं ये जो हमारा ग्राउंड फ्लोर प्लान है उसी से हमारा साइट प्लान बना है, लेकिन इसका साइज़ क्या है, छोटा है। साइज इसका छोटा क्यों है, क्योंकि इसको हम क्या करना है, हम इसको स्केल करके छोटा कर देंगे, तो इसको यहाँ पे स्केल किया हुआ है 1:200 पे, यानी कि 1:200, और ये क्या है हमारा 1:100 पे बना है। जब 1:200 जब हम नीचे की वैल्यू बढ़ा देंगे तो ऊपर की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है, इसीलिए यहाँ पे छोटी दिख रही है। अगर आप इसको 1:50 बोल दोगे, इसको 1:50 बोलेंगे, क्योंकि ये क्या हो गया, हाफ हो गया, 100 का हाफ करते हैं 50, तो वो लोग सोचते हैं कि ये 1:50 पे है, लेकिन एक्चुअली में ये 1:200 पे है, क्योंकि नीचे अगर आप वैल्यू 50 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर की वैल्यू बढ़ जाती है, तो यानी कि अगर वो 1:50 पर ड्रॉ करेंगे तो ये जो हमारा साइट प्लान है वो हमारे ग्राउंड फ्लोर प्लान का डबल दिखेगा। तो ऐसे आप बनाएंगे साइड प्लान, और ये होता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्लान। आप चाहे तो सिंपल ऐसा रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्लान भी प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर यहाँ पे देखिए कुछ ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या लिखा है, 0.1, ये क्या है बिल्डअप एरिया है शोन एज हैश, यानी ये जो हैश से शो किया है वो क्या है बिल्डअप एरिया, और ये जो ओपन से शो किया है ये क्या है ओपन एरिया। तो देखिए मैंने आपको ये साइड प्लान में वही बताया, जो ये हैशेस शोन है वो क्या है हमारा प्रपोज कंस्ट्रक्शन, और ये जो आपको ब्लैंक स्पेसेस दिख रहे हैं ये हमारा ओपन एरिया। उसके बाद आपको क्या करना पड़ता है, ये ओपनिंग शेड्यूल, यानी कि आपके बिल्डिंग्स में, यानी कि आपके स्ट्रक्चर में कौन कौन से ओपनिंग्स आपने प्रोवाइड किए हैं, डोर्स कौन से प्रोवाइड किए हैं, विंडोज कौन से प्रोवाइड किए हैं, वेंटिलेशन कौन से प्रोवाइड किए हैं, या फिर कोई और ओपनिंग आपने प्रोवाइड किए हैं अपने स्ट्रक्चर में, तो आपको उसको भी मेंशन करना पड़ता है।
फिर यानी यहाँ पे देखिए उसका स्पेसिफिकेशन लिखा है वो किस टाइप का डोर है, सिंगल डोर है या फिर डबल डोर है। सिंगल और डबल यानी कि अगर आपके डोर में सिर्फ एक ही पैनल लगा है तो उसको बोलते हैं सिंगल लिव डोर, अगर आपके डोर में डबल पैनल लगा होगा डोर पैनल तो उसको क्या बोलेंगे, डबल लिव डोर। यहाँ पे हमारे सब में स्ट्रक्चर में और कितने टाइप्स के डोर हैं आपको सब चीज़ के लिए आपको अलग अलग मेंशन करना पड़ता है। देखिए यहाँ पे डी टाइप का डोर है उसका है सिंगल लिव डोर है और उसका साइज है 1.2 मीटर क्रॉस 2.1 मीटर, यानी कि इसकी विड्थ है 1.2 मीटर और हाइट है 2.1 मीटर। फिर ये D1, फिर सिंगल लिव डोर 1 मीटर क्रॉस 2.1 मीटर, फिर यहाँ पे ग्लेज विंडो दिया है, ग्लेज विंडो विंडो की साइज दी है यहाँ पे। फिर ये लोअर बेंट यानी कि बेंट अपने जो प्रोवाइड करते हैं वॉशरूम में उसकी साइज क्या है यहाँ पे मेंशनड है। उसके बाद ये जो है यहाँ पे देखिए एट स्टेटमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको इसको जरूर से मेंशन करना है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा है प्लॉट एरिया, ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा है प्लॉट नंबर, तो आपका जो प्लॉट नंबर है आपको उसको यहाँ पे मेंशन करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखेंगे प्लॉट साइज, तो प्लॉट साइज आपका जो है आपको उसको मेंशन करना है, यहाँ पे मेंशन कर दिया है प्लॉट साइज और ये आपका कौन सा फेजिंग है यहाँ पे वो भी मेंशन कर दिया है। फिर यहाँ पे देखिए प्लॉट एरिया, तो टोटल प्लॉट का जो एरिया है वो यहाँ पे मेंशन कर देना है। उसके बाद यहाँ पे ग्राउंड कवरेज, ग्राउंड कवरेज यानी कि आपके जो टोटल प्लॉट एरिया है उसमें से आपने कितने एरिया में बिल्डअप किया है तो आपको वो मेंशन कर देना है। तो यहाँ पे कितना है ग्राउंड कवरेज इस प्लान में, वो है 50%, तो क्या कर देंगे सिंपली इस प्लॉट एरिया का हाफ कर देंगे 50%, तो ये हो जाएगा 83.58। फिर यहाँ पे दिखा है फ्लोर एरिया रेशियो, फ्लोर एरिया रेशियो, फ्लोर एरिया रेशियो क्या होता है, टोटल बिल्डअप एरिया अपॉन प्लॉट एरिया, तो ये टोटल बिल्डअप एरिया अपॉन प्लॉट एरिया, तो यहाँ पे मैं क्या है फ्लोर एरिया रेशियो 1.25, ये सब कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैंने आपको पिछली वीडियोस में बता रखा है जब हम यहाँ पे इसका डिजाइनिंग कर रहे थे हमारे प्लान और एलिवेशन और सब का उसको प्लानिंग कैसे करते हैं, तब उसमें हमने आपको पूरा इसमें डिटेल में बताया है। तो यहाँ पे देखेंगे प्रपोज ग्राउंड फ्लोर एरिया, तो ग्राउंड फ्लोर एरिया जो हमने बिल्डअप है हमारा ग्राउंड फ्लोर एरिया में वो कितना है 83.58 स्क्वायर मीटर। फिर यहाँ पे हम देखेंगे फर्स्ट फ्लोर एरिया, फर्स्ट फ्लोर एरिया 91.94 स्क्वायर मीटर। अब आप बोलेंगे फर्स्ट फ्लोर पे एरिया कैसे ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर पे हमने क्या किया है देखिए यहाँ पे थोड़ा सा एक्सटेंड यानी कि बाहर निकाला, जो हमारा आउटर बीम था आउटर वॉल था उससे यहाँ पे हमने कैंटिलीवर बीम्स प्रोवाइड करके यहाँ पे थोड़ा सा बाहर प्रोवाइड किया है। इसमें आपको यहाँ पे एलिवेशन में नहीं दिख रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे फ्रंट एलिवेशन बनाया है और ये जो निकला है वो हमारा बैक साइड यानी कि रियर साइड में निकला है कैंटिलीवर पोर्शन। उसके बाद यहाँ पे देखिए टोटल बिल्डअप एरिया, फिर टोटल बिल्डअप एरिया क्या होगा ग्राउंड फ्लोर एरिया प्लस फ्लोर प्लस फर्स्ट फ्लोर एरिया, तो क्या करेंगे टोटल बिल्डअप एरिया आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं फ्रंट सेटबैक, फिर आपको सेटबैक्स कितने दिए हैं आपने अपने स्ट्रक्चर में आपको उसको प्रोवाइड करना है। तो यहाँ पे देखिए फ्रंट सेटबैक कितना है 3 मीटर दिया है, रियर सेटबैक यानी कि बैक साइड में सेटबैक कितना है 2 मीटर और यहाँ पे साइड में सेटबैक कितना दिया है 2 मीटर। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे जो हमारा प्लॉट है उसके इस साइड डायरेक्टली बाउंड्री वॉल से अटैच्ड है हमारा स्ट्रक्चर, इसलिए दूसरे साइड में हमको सेटबैक नहीं प्रोवाइड किया, सिर्फ एक ही साइड में हमने सेटबैक प्रोवाइड किया है 2 मीटर का। अगर आपने यहाँ भी सेटबैक प्रोवाइड किया होता तो आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ता लेफ्ट साइड सेटबैक और राइट साइड सेटबैक। फिर यहाँ पे देखिए पोर्च एरिया हम यहाँ पे मेंशन है, पोर्च एरिया क्या है देखिए ये जो है हमारा ये है पोर्च एरिया, ये क्या होने वाला है ओपन होने वाला है, इसलिए यहाँ पोर्च एरिया भी मेंशन है अलग से, वो बिल्डअप एरिया में काउंट नहीं होगा। फिर यहाँ पे देख सकते हैं स्टेयर टावर, स्टेयर टावर यानी कि जो स्टेयर केस है उसका एरिया कितना है वो यहाँ पे मेंशन है स्टेयर टावर में। उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ चीजें मेंशन करनी होती हैं आप वो भी देख लीजिए। यहाँ पे क्या लिखा है ओनर, ओनर यानी कि जो जिसके लिए आप जिसके लिए आप ये स्ट्रक्चर बना रहे हैं या फिर प्लॉट बना रहे हैं जिसके लिए आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उसका नाम क्या है, उसका कंप्लीट एड्रेस सब कुछ उसके बारे में डिटेल्स यहाँ पे मेंशन होंगी, उसका मोबाइल नंबर उसका एड्रेस उसका नाम। फिर यहाँ पे देखिए आर्किटेक्चर, आर्किटेक्ट या इंजीनियर या जो आर्किटेक्चर और इंजीनियर ने इस प्लान को बनाया उसका नाम यहाँ पे मेंशन करना पड़ता है और उसका सिग्नेचर लगता है। फिर यहाँ पे हम देख सकते हैं डायग्राम टाइटल, तो यहाँ पे डायग्राम क्या है हमारा सबमिशन ड्राइंग, तो यहाँ पे हम टाइटल में क्या लिखेंगे सबमिशन ड्राइंग। फिर स्केल, स्केल आपको अगर सबका स्केल अपने 1:100 पे प्रोवाइड किया है तभी आप यहाँ पे 1:100 प्रोवाइड लिखेंगे। अभी देखिए यहाँ पे हमने इसको 1:100 प्रोवाइड किया है, इसको भी 1:100 पे प्रोवाइड किया है लेकिन इसको क्या कर दिया है 1:200 पे प्रोवाइड किया है, तो
तो आप चाहें तो इस यहाँ पे सेपरेटली लिख सकते हैं, जब हम प्लान बनाते हैं तो उसके नीचे हम लिख सकते हैं उसका स्केल क्या है, या फिर आप जब इसको ड्राइंग करेंगे, जब हम इसको ड्राफ्टिंग करेंगे तो क्या करेंगे, हम तो इसको ओरिजिनल डायमेंशंस में ही ड्राफ्ट करने वाले हैं, और जब हम इसको सबमिशन ड्राइंग में प्लेस करते हैं तब हम इसकी स्केल को कम करते हैं। वो सब कैसे करेंगे मैं आपको अगली वीडियो में, जब हम सबमिशन ड्राइंग में प्लेसमेंट करेंगे तो मैं वहाँ पर आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। इसलिए यहाँ पे जो 1:100 का स्केल मेंशन है ये यहाँ पे एक्चुअल में नहीं आएगा, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि सब डायग्राम्स के स्केल अलग है। ये जो हमारा लोकेशन प्लान है उसका स्केल है 1:5000, ये सेपरेट टाइम का कुछ स्केल होगा, वो आपको सब चाहें तो आप सेपरेटली मेंशन कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको लिखना है ड्रॉन बाय, यानी कि किसने इसको ड्रॉ किया है वो आपको यहाँ से मेंशन करना है। फिर किसने इसको चेक किया है, यानी कि जब आप अप्रूवल के लिए नगर निगम में सबमिट करेंगे तो किसने चेक किया है, वो भी वो साइन उसका साइन होगा। फिर देखिए यहाँ पे जो हमने साइट प्लान बनाया है उसके ऊपर क्या करना पड़ता है, आपको यहाँ पे प्लॉट के सराउंडिंग क्या है वो सब मेंशन करते पड़ते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे नॉर्थ में हमारा क्या है प्लॉट नंबर 47, ईस्ट में हमारा ईस्ट जो हमारे प्लॉट हमारा जो स्ट्रक्चर है हमने जो बनाया है वो कितने पे बनाया है, 48 नंबर हमारा प्लॉट नंबर है। तो वो जो वेस्ट फेसिंग था, तो यहाँ पे देखिए वेस्ट में यहाँ पे क्या है 30 फीट का रोड है, 30 फीट वाइड रोड। साउथ में क्या है प्लॉट नंबर 49, ईस्ट में क्या है इसके प्लॉट बाउंड्री वॉल है, और नॉर्थ में क्या है 47, प्लॉट नंबर 47। तो ये सब भी आपको क्या करना पड़ता है, साइट प्लान जो आपने स्लाइड स्लाइड लेआउट प्लान बनाया है उसके, देखिए साइट प्लान जो बनाया है उसके ऊपर आपको ये सब भी मेंशन करने पड़ते हैं। तो ये होता है हमारा पूरा सबमिशन ड्राइंग। अगले वीडियो में हम सीखेंगे कि हमने जो प्लान एलिवेशन सेक्शन सब बनाए थे उन सब का हम सबमिशन ड्राइंग में कैसे उसको प्लेस करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।